हेलो एवरी वन एंड वेरी वोम वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल गाइज दिस इज़ द फिफ्थ पार्ट ऑफ़ द एग्रीकल्चर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज एंड अभी तक पिछले चार पार्ट्स के अंदर भी हमने uh, जो क्वेश्चन देखे हैं वो बेसिकली आई बी पी एस ए एफ ओ ट्वेंटी ट्वेंटी वन के क्वेश्चन हैं ओके जो बेसिकली जनवरी ट्वेंटी ट्वेंटी टू में जो मेन्स हुआ था अब मैं आपको पहले तो एक बात क्लियर कर दूँ अगर कोई नबार्ड ए का बच्चा एक सीरीज़ देख रहा है तो उसको लगेगी ये तो आई बी पी एस एफ ओ के क्वेश्चन है मेरे काम के नहीं है बेटा एग्रीकल्चर के क्वेश्चन आप नबार्ड ए के देख लो आई बी पी एस ए एफ ओ के देख लो दोनों के सेम होते हैं ठीक है जो थोड़ा बहुत डिफरेंस अगर होता है तो वो मैं आपको बता दूंगा कि यार ये टाइप का क्वेश्चन नबार्ड में नहीं आता या ये टाइप का क्वेश्चन ए एफ ओ में नहीं आता ठीक है तो उसके अंदर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और पिछले चार पार्ट्स भी आप ज़रूर देख लेना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक बहुत इंपॉर्टेंट गेम प्ले करते हैं आपके पेपर के अंदर क्यों इम्पॉर्टेंट गेम प्ले करते हैं क्योंकि अल्टीमेटली जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कर लेते हो उनसे रिलेटेड नॉलेज को गेन कर लेते हो तो आपको इजीली अपने एग्जाम के अंदर उसी नॉलेज के अराउंड बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाते हैं मेरा ये है मानना है कि अगर किसी बच्चे ने अच्छे से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर किए हुए हों तो उसको कम से कम दस से पंद्रह क्वेश्चन बहुत ईजीली उसको पेपर में से उसी नॉलेज में से मिल जाएंगे बहुत ईजीली तो ये पार्ट फिफ्थ है इससे पहले के चार पार्ट्स उसका लिंक भी आपको यहाँ पर आ, मिल मिल जाएगा वो भी प्लीज़ देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखा ओके एंड 2000 प्लस नॉन वीडियो एमसीक्यू सीरीज़ तो हमारी चली रही है बहुत ही किफ़ायती दाम के ऊपर विद डिस्काउंट कोड ऑफ अर्ली थर्टी ठीक है अराउंड फोर का आपको इसका प्राइस पड़ता है और अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आप चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट uh, कर सकते हैं व्हाट्सएप कर सकते हैं मेल कर सकते हैं यहाँ पर कमेंट सेक्शन में कमेंट uh, छोड़ सकते हैं टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में है उसको ज्वाइन करके वहाँ पर मुझसे बात कर सकते हैं और इन लेक्चर्स का पी भी आपको टेलीग्राम के ऊपर ही मिलेगा तो पहले क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं फटाफट से द प्रोसेस इन विच इम ग्रीन फ्रूट्स इम ग्रीन फ्रूट्स ठीक है अभी पूरे तरीके से जो पके नहीं है फ्रूट्स उनको कन्वर्ट कर दिया जाता है एडिबल यानी कि जो खाए जा सकते हैं और फ्लेवर भी उनके अंदर आ जाता है प्रॉपर क्वालिटी कलर सब कुछ जो है वो रेडी टू ईट टाइप में कन्वर्ट हो जाता है विद इथाइलिन ट्रीटमेंट तो इसको क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं इथाइलिन को यूज़ करके जब आप ग्रीन फ्रूट्स को पके हुए फ्रूट्स के अंदर कन्वर्ट कर देते हो ऑप्शन ए डी ग्रीनिंग बी राइपनिंग सी क्योरिंग डी प्रीकूलिंग डी ई इन डिस अब मेरे हिसाब से जो ये क्वेश्चन है ना बेटा ये क्वेश्चन बिल्कुल भी कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है इसको कोई ये नहीं कह सकता कि हाय ये पेपर के अंदर इन्होंने क्या सवाल पूछ लिया ऐसा बिल्कुल भी नहीं आप बोल सकते हो बहुत इजी क्वेश्चन है बहुत आसान क्वेश्चन है बहुत इजीली सॉल्व किया जा सकता है कि एग्रीकल्चर के बच्चे से ये इतना एक्सपेक्ट करके हम चलेंगे कि हाँ यार वो इसका आंसर करेगा ठीक है एंड द राइट आंसर ओवर हेयर इज ऑप्शन बी राइपनिंग ठीक है इथाइलिन बेटा बेसिकली एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होता है जो फ्रूट्स की राइपनिंग के अंदर जिसको यूज़ किया जाता है कच्चा फ्रूट है तो उसको पका दिया जाता है ठीक है एंड उससे क्या होता है फ्लावर्स और फ्रूट्स की प्रोडक्शन भी ज़्यादा होती है इथाइलिन एक हाइड्रोकार्बन होता है और ये कलरलेस गैस होती है और इसका जो फार्मूला होता है दिस इज़ सी टू एच फोर और एच टू सी डबल बॉन्ड सी एच टू कई बार वो पूछ सकता है ए एफ ओ के अंदर नबार्ड के अंदर तो नहीं पूछेगा कि केमिकल फार्मूला या इथाइलिन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ओके okay? और आई यू पी ए सी नेम इथाइलिन का एथीन होता है और स्वीट एंड मस्की ऑडोर होता है इसमें जब ये प्योर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है अपनी ओके एंड सिंपलेस्ट एल्कीन एंड ऑल्सो द सेकेंड सिंपलेस्ट अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर एथाइलिन आता है ओके okay, तो बेसिक सी एक तो आपको प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होता है ये पता होना चाहिए कलरलेस फ्लेमेबल होता है ये पता होना चाहिए एथीन इसका आई नेम है स्वीट एंड मस्की कलर होता है जब प्योर होता है इतने अगर ये आपको चार चीजें एथाइलिन के बारे में पता है तो सफिशिएंट है चलो जी सेकंड क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ द ट्री विच प्रोड्यूसेस सिल्क कॉटन एंड कैपॉक इनमें से कौन सा ट्री है जो सिल्क कॉटन और कैपॉक प्रोड्यूस करता है यहाँ पर आपको बॉटनिकल नेम्स या साइंटिफिक नेम्स गिवन है ऑप्शन ए बॉम्बेक सेबा ऑप्शन बी सेबा पेंटेंड्रा ऑप्शन सी कॉकोसपर्मम वेली जियोसम एंड ऑप्शन डी सोम एंड सोआलू एंड ऑप्शन ई इज रोसेनस क्यूमिनस वॉट विल बी द आंसर अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर ना तुक्का लगाने का स्कोप नहीं है गैस वर्क का स्कोप नहीं है अगर आप ये सोच लो कि मैं गैस करके इसका आंसर सही कर दूंगा तो वो आपकी गलत फहमी है वो आंसर सही नहीं हो सकता ठीक है गेस वर्क से आपका आंसर सही हो ही नहीं सकता ये गारंटी है सो द राइट आंसर गाइज ओवर एयर इज ऑप्शन बी सेबा पेंटेंड्रा सेबा पेंटेंड्रा इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं इसको सिल्क कॉटन या सिंगापुर कैपॉक भी बेटा बेसिकली बोलते हैं ओरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ओरिजिनली जो ये नेटिव है साउथ अमेरिका का है देखो मैं आपको कह रहा था ना कि अगर आप डिटेल में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करते हो तो अल्टीमेटली आपको इतनी सारी इन्फॉर्मेशन उसके अंदर से मिल जाती है कि वो फ्यूचर क्वेश्चंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है अब जैसे अगर मैं आपसे एग्जाम में यही क्वेश्चन एक पूछ लें कि यार ये जो सिल्क कॉटन है ये किस कंट्री का नेटिव है पूछते हैं ना कि ओरिजिन कंट्री कौन सी है या नेटिव कंट्री कौन सी है तो उसके अंदर ये एक बड़ा प्यारा क्वेश्चन बन जाता है कि भाई साउथ अमेरिका है और अब ये ट्रैवल कर चुका है अराउंड द वर्ल्ड अब म्यांमार जावा श्रीलंका एंड इनफैक्ट इंडिया में भी इसको ग्रो किया जाता है 20 से 25 मीटर की हाइट अटेन कर लेता है अलग अलग एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन में आप इसको ग्रो कर सकते हो लेकिन बेस्ट सिचुएशन इसके लिए जहाँ पर हैवी रेनफॉल एरियाज़ है वहाँ पर बहुत अच्छा ग्रो करता है सेवन इंटू सेवन मीटर की स्पेसिंग इसको रिक्वायर्ड है पिट साइज थर्टी मीट थर्टी सेंटीमीटर क्यूब का रिक्वायर्ड है इसके ट्री के लिए ओके रेनी सीजन के टाइम पर आप इसकी प्लांटिंग कर सकते हो या जब भी आपके पास सूटेबल इरिगेशन फैसिलिटीज़ अवेलेबल है क्योंकि इसकी पानी की रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा है बीडिंग आपको ट्वाइस करनी पड़ेगी पहले दो साल के लिए इरिगेशन जहाँ पर हज़ार एम एम से कम बारिश हो रही है जहाँ पर सौ सेंटीमीटर से कम बारिश हो रही है वहाँ पर तो इरिगेशन चाहिए ही चाहिए स्पेशली समर सीजन के अंदर इसके मल्टीपल यूजेस हैं इसको जो आपके पिल्लोज और बेड के अंदर स्टफिंग होती है उसके अंदर इसको यूज़ किया जाता है टेनिस बॉल बॉक्सिंग ग्लव्स शूटिंग सूट्स बनाने में इसको यूज़ किया जाता है ठीक है इसका जो ऑयल होता है उसको सोप बनाने में यूज़ किया जाता है और इसका जो केक रह जाता है बाद में जो वेस्ट रह जाता है उसको एज अ कैटल फीड फीड भी यूज़ कर सकते हो इसका जो शेल होता है उसको फ्यूल बनाने के लिए भी यूज़ किया जा सकता है और सिल्क कॉटन और कैपॉक बनाने के लिए भी इसको यूज़ किया जा सकता है तो मल्टीपल यूजेज हैं काफ़ी हाई रिटर्न गिविंग एक ट्री एक प्लांट है लेकिन वाटर रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा है नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ थर्ड क्वेश्चन बोरॉन डेफिशिएंसी इंडिकेटर प्लांट कौन सा प्लांट बोरॉन की डेफिशिएंसी को इंडिकेट करता है इंडिकेटर प्लांट्स होते हैं ना कि यहाँ भी उस प्लांट से आपको पता चल जाएगा उस प्लांट के साइंस देख करके आपको पता चल जाएगा कि सॉइल के अंदर इस पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी है तो बोरॉन की डेफिशिएंसी किस प्लांट के थ्रू हाईलाइट होती है ऑप्शन ए सनफ्लावर अब देखो ये तो एक क्वेश्चन आ गया ना अब इस एक क्वेश्चन में से मल्टीपल क्वेश्चन बन सकते हैं आप कम से कम तीस चालीस क्वेश्चन बन जाएंगे ठीक है, तीस चालीस से भी ज्यादा क्वेश्चन बन जाएंगे अगर मैं कॉम्बिनेशन उठा करके देखूंगा तो तो अल्टीमेटली अब अपने को नॉलेज होनी चाहिए कि यार वेरियस इंडिकेटर प्लांट्स कौन से हैं जो वेरियस न्यूट्रिय डेफिशिएंसीज को हाईलाइट करते हैं ठीक है अभी एक लेक्चर हमने डाला था जिसके अंदर हमने वो भी देखा था कि सॉइल के ट्रेड्स की वजह से जो न्यूट्रियन डेफिशियसी होती है ठीक है न्यूट्रियन डेफिशियसी बिकॉज ऑफ सॉइल ट्रेड्स कि भाई नाइट्रोजन की डेफिशियसी है कि सॉइल के अंदर लीचिंग ज़्यादा हो रही है या ऑर्गेनिक मैटर कम है ठीक है उस तरह की या आप क्रॉप रेजिट्यू को बर्न कर रहे हो वो लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ उसका लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगा ओके सो बोरॉन डेफिशिएंसी इंडिकेटर प्लांट सनफ्लावर है उसी तरीके से अगर आप वेरियस डेफिशिएंसीज को देखो और इंडिकेटर प्लांट्स को देखो तो नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी को कौन कौन हाईलाइट करता है मेज़ सॉर्गम लेग्यूमिनस प्लांट्स कॉलीफ्लावर कैबेज सिमिलरली फॉस्फोरस की डेफिशिएंसी टोमेटो मेज़ ल्यूसन सीरियल ड्यूरेंटा मस्टर्ड एंड रिपसीड पोटेशियम की मेज़ ल्यूसन कॉटन पोटैटो बनाना एंड क्यूकरबिट्स सल्फर ल्यूसन क्लोवर सीरियल्स टी जिंक मेज़ टोमेटो पोटैटो बीन सिट्रस कॉपर सिट्रस एंड वीट आयरन ऑर्नामेंटल प्लांट्स एक्जोरा एकेसिया यूक्लिप्टस गूसबेरी सेक्यूमिनिस सोर्गम सिट्रस बार्ले और कैल्शियम का कॉलीफ्लावर और कैबेज तो ये आपने याद करने हैं ये करने पड़ेंगे याद ठीक है इसका कोई चारा नहीं है एक बार में याद नहीं होगा लेकिन याद तो करने पड़ेंगे उठा करके निकाल लो चिपका लो दीवार के ऊपर सुबह शाम उठते और सोते हुए दो दो क्रॉप्स के याद कर लोगे गे सफिशेंट है सोडियम शुगर बीट और ट्यूर्निप क्लोरीन लेट्यूस मैग्नीशियम पोटैटो कॉलीफ्लावर शुगर बीट बोरॉन ल्यूसन कोकोनट गुआवा सनफ्लावर एंड शुगर बीट अपने पास सनफ्लावर ऑप्शन में था बाकी तो ऑप्शन में ही नहीं थे मैंगनीज सिट्रस शुगर बीट एप्पल एप्रिकॉट एंड मोलिब्डेनम का कॉलीफ्लावर एंड कैबेज यहां पर आपका आ जाएगा नेक्स्ट जी फोर्थ क्वेश्चन सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज का टोटल पांच देखने हैं हमने सॉयल एंड वाटर कंजर्वेशन मेथड जो ज़्यादातर हिली एंड माउंटेन एरियाज में यूज किया जाता है ये मुझे ऐसा लगता है कि अब अगर कोई एग्रीकल्चर की पढ़ाई जिसने नहीं भी करी है ना लेकिन जो स्कूल में ठीक ठाक तरीके से बैठता था ठीक है सिक्स क्लास से लेकर के टेंथ क्लास तक जो ठीक ठाक से बैठता था उसको ये इसका आंसर आना चाहिए क्योंकि ये स्कूल के अंदर कराया जाता था कि यार हिली एरियाज के अंदर हम कैसे सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं तो यहाँ पर आंसर होगा आपका ऑप्शन ए कंटोर बंडिंग तो कंटॉर बंडिंग के अंदर हम बेसिकली क्या करते हैं ये स्पेशली एक लैंड मैनेजमेंट प्रैक्टिस है जिसको स्पेसिफिकली हिल एरियाज़ के अंदर यूज़ किया जाता है ठीक है इसके अंदर बेसिकली होता क्या है आप एक ना स्टोन की लाइन बना देते हो इस तरीके से यहाँ पर आपको दिख रही है ये स्टोन की लाइन एक तरह की दीवार बना देते हो ठीक है उससे क्या होगा क्योंकि यहाँ पर एक नेचुरल स्लोप है अब नेचुरल स्लोप में तो सॉइल और जो वाटर है वो नीचे की तरफ जाएगा तो अल्टीमेटली ये जो नेचुरल आप जो ये बैरियर्स आप क्रिएट कर रहे हो पत्थर के ये उस सॉइल और वाटर को होल्ड करेगा ठीक है और ताकि जो रेनफॉल भी हो रही है उसको यूटिलाइज किया जा सके फील्ड के अंदर नहीं तो सारे का सारा रेनफॉल तो रन ऑफ के थ्रू ही चला जाएगा ओके एंड उसी तरीके से सॉइल भी नीचे को बह जाएगा बट अल्टीमेटली ये जो वॉल्स आप क्रिएट कर रहे हो स्टोन्स की और सैंड की वो आपको हेल्प करेंगी वाटर और सॉइल कंजर्वेशन के अंदर नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन एडवांस्ड मेथड ऑफ़ मिनिमम टिलेज अच्छा जी तो मिनिमम टिलेज का एक मेथड है जिसके अंदर प्राइमरी टिलेज इज़ कम्पलीटली अवॉइडेड प्राइमरी टिलेज को तो कम्प्लीटली अवॉइड कर देते हैं सेकेंडरी टिलेज को भी रिड्यूस करा जाता है सिर्फ रो जोन या जहाँ पर सीड्स आप सो कर रहे हो सिर्फ उतने एरिया में सेकेंडरी टिलेज होगा मिनिमम टिलेज का मेथड है प्राइमरी टिलेज को कम्प्लीटली अवॉइड किया है सेकेंडरी टिलेज भी बहुत मिनिमम किया है तो यहाँ पर आंसर क्या है ये वट काइंडफ़ टेलेज ये है रिज टिल स्टबल मल्च फार्मिंग मिनिमम टेलेज स्ट्रिप्ट टेलेज जीरो टेलेज सो द राइट आंसर गाइज ओवर हेयर इज ऑप्शन ईजीरो टेलेज अब जीरो टेलेज को तो मैं आपके साथ डिटेल के अंदर डिस्कस करूंगा लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस लेक्चर के बाद आप एक बार रिज टिल स्टबल मल्च फार्मिंग मिनिमम टेलेज और स्ट्रिप्ट टेलेज के बारे में पढ़ें और अगर हो सके तो कमेंट के अंदर एक एक लाइन के अंदर इनके बारे में मुझे बताएं ठीक है उसको हम वहीं पर डिस्कस कर लेंगे मैं आपको बता दूंगा कि हाँ ये सही है या गलत है और साथ के साथ हम Uh, अगर उसमें कोई एडिशन करनी होगी तो इंडिविजुअली मैं आपको वो भी बता दूंगा। टिलेज के ऊपर आ जाओ तो टीलेज तो आप जानते हो लैंड प्रिपरेशन का एक मेथड है ठीक है मैकेनिकल वेज में आप लैंड को प्रिपेयर करते हो आप उसमें लैंड uh, को डिग करना स्टिर करना सॉइल को टर्न करना वो सब आ जाता है ठीक है अब ज़ीरो टीलेज क्या होता है जीरो टीलेज के अंदर आप मिनिमम जो है लैंड uh, को डिस्टर्ब करोगे इसके अंदर आप जो सीड्स को भी सो करते हो वो ड्रिलर का इस्तेमाल करके करते हो उससे पहले आप कोई लैंड प्रिपरेशन नहीं करते कोई डिगिंग नहीं करते कोई स्टेरिंग नहीं करते कोई ओवर टर्निंग नहीं करते एक ड्रिल लेकर के जाते हो और तो जहां पर आपको सीड सो करना है वहां पर आप ड्रिल से सीड को सो कर देते हो उसके अलावा आप सॉइल को नहीं डिस्टर्ब करते अगर उस सॉइल के ऊपर उस लैंड के ऊपर पहले आपने कोई क्रॉप ग्रो किया था उस क्रॉप का स्टबल उसके ऊपर पड़ा है तो आप उसको भी डिस्टर्ब नहीं करते हो अब जीरो टिलेज का फायदा क्या होता है एक तो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन कम हो जाएगी क्योंकि आपको लैंड को क्लियर नहीं करना आपको टिलेज नहीं करना साथ ही साथ वो सॉइल इरोजन को भी रिड्यूस करेगा क्रॉप का जो ड्यूरेशन है उसको कम कर देगा क्योंकि पहले क्या होता है आप देखो अब अल्टीमेटली अगर आप लैंड को क्लियर करने बैठते हो तो उसमें आपके डेज जाते हैं कि भाई खारिफ के बाद राबी के बीच में जो इंटरवल होता है आपके पास पांच से दस दिन का टाइम होता है लेकिन पांच से दस दिन से ज्यादा समय आपको लग जाता है लैंड को क्लियर करने में और अल्टीमेटली या फिर आप उसको बर्न करोगे अब आप शबल को बर्न करोगे तो पोल्यूशन की प्रॉब्लम आप जानते हो इंडिया के अंदर होती ही होती है ठीक है साथ ही साथ जीरो टिलेज आपकी इरिगेशन रिक्वायरमेंट को भी कम कर देता है वीड इफेक्ट भी जो है उसको हेल्प करता है कम करने में जीरो टिलेज को नो टिलेज या नील टिलेज भी बेटा कहा जाता है अब अगर हम बात करें जीरो टिलेज की इंडिया में तो जीरो टिलेज इंडिया के अंदर 1960s में कहीं जाकर के स्टार्ट हुआ था और अगर अब हम प्रेजेंटली देखें जीरो टिलेज तो इंडोगैंगेटिक प्लेन एरिया जो है आपका यूपी और उत्तराखंड और ये वाला सारा रीजन है जहां पर राइस वीट क्रॉपिंग

इंडिया के अंदर हुआ गया जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन जब आया तो राइस और वीट प्रोडक्शन सिस्टम नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में काफ़ी ज़्यादा ग्रो किया बट उससे क्या हुआ कुछ समय बाद राइस और वीट का जो यील्ड था वो स्टेग्नेंट हो गया क्यों क्योंकि सॉइल और वाटर मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं था वीट की प्लांटिंग लेट हो रही थी ठीक है और इसकी वजह से कहीं ना कहीं प्रोडक्शन जो है वो कम हो रहा था एंड अल्टीमेटली 1990s में जीरो टीलेज को यहाँ पर लाया गया इस प्रॉब्लम को मिटिगेट करने के लिए और अल्टीमेटली जो वीट की लेट प्लांटिंग हो रही थी क्योंकि राइस काफ़ी समय ले रहा था ना ग्रो करने में ठीक है और राबी में आपको वीट लगाना है तो अल्टीमेटली अब वीट को फटाफट प्लांट कर दिया करना शुरू कर दिया गया कैसे ड्रिलिंग करके ठीक है जी और सक्सेस जो होता है देखो ज़ीरो टीलेज का वो डिपेंड करता है मशीनरी पे आपको ड्रिल सीड ड्रिल करने के लिए मशीनरी चाहिए ओके नाइनटीन एटीज में जो आपका मेक्सिको में मेज एंड वीट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है उन्होंने एक प्रोटोटाइप भी डेवलप किया ड्रिलिंग सीड का इंडिया के अंदर पहली बार जो लोकलाइज सीड ड्रिल डेवलप किया गया या मैन्युफैक्चर किया गया दैट वाज डन बाय जीबी पंत यूनिवर्सिटी और जो ड्रिल्स होती हैं ये ज़्यादातर ट्रैक्टर ड्रॉन होती हैं ट्रैक्टर पर माउंट करके इनको यूज़ किया जाता है और वाइडली अब इनको यूज़ किया जाता है स्पेशली राइस एंड वीट क्रॉपिंग सिस्टम्स के अंदर जीरो टिलेज जो है काफ़ी अच्छा है, इसको कंसीडर किया जाता है अगर आप इसको सीड सीड शो करने के लिए यूज़ कर रहे हो चाहे वो राइस है मेज सोयाबीन कोटन पिजन पी मूंग बीन क्लस्टर बीन परल माइलेट वीट बार्ले चिक्पी मस्टर्ड लेंटिल हर के अंदर आप यूज़ कर सकते हो वीट सोइंग में आप कम से कम 10 से 12 दिन बचा सकते हो राइस के बाद अगर आप इसको इस टेक्निक को आ, यूज़ करते हो ठीक है जिससे आपका वीट येल्ड भी इम्प्रूव होगा ओके और साथ ही साथ क्योंकि अब आपने टाइमली सो कर दिया है तो आप अपने वीट क्रॉप को हीट स्ट्रेस से भी बचा पाओगे जो समर्स के अंदर उसको फेस करना पड़ता है कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन अराउंड ढाई हजार से तीन हजार पर हेक्टेयर कम हो जाती है जीरो टेलेज आ, के आ, अंदर क्योंकि आपका लैंड प्रिपरेशन के अंदर लेबर कट बचा टाइम बचा डीजल कंजम्पशन बचा ओके उसके बाद वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप भी रिड्यूस हो जाता है ऑर्गेनिक कार्बन का लॉस भी नहीं होता एंड साथ ही साथ ये वीट जैसे क्रॉप्स को जीरो टिलेज फेलेरियस माइनर जैसे डिजीजेस से भी प्रोटेक्ट करती है तो जीरो टिलेज के मल्टीपल बेनिफिट्स हैं अब ये जो जितने मैंने आपको टिलेज के पॉइंट्स दिखाए हैं ना हर पॉइंट के अंदर एक क्वेश्चन बनता है हर पॉइंट के अंदर एक क्वेश्चन बनता है तो इनको बहुत आराम से और बहुत प्यार से करना है और साथ ही साथ मैंने आपको जो ये होमवर्क दिया है कि आपने मुझे बताना है कि रिच टिल्स डबल मल्च फार्मिंग मिनिमम टिलेज और स्ट्रिप टिलेज क्या होता है ये आपने मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना जरूर है ठीक है दोस्तों तो आज के लिए दोस्तों इतना ही हमें करना था एंड वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर पीडीएफ आपको टेलीग्राम के ऊपर अवेलेबल हो जाएगा एमसीक्यू कोर्स का ना फ्री टेस्ट भी डाला हुआ है एक उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है तो उस फ्री टेस्ट को भी अटेम्प्ट करके देख लेना ठीक है आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको पैसे खर्चने हैं मेन कोर्स के ऊपर या नहीं चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एंड टिल देन टेक केयर एंड बाय